कांग्रेस ने सोमवार आधी रात बाद प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दी है। कांग्रेस की हाल ही में 19 उम्मीदवार की पहली सूची जारी की थी। 6 सीटों पर उम्मीदवार को इंतजार था। राजस्थान में पहले चरण को लेकर नामांकन प्रक्रिया भी मंगलवार से शुरू हो रही है। ऐसे में एक दिन पहले दूसरी सूची जारी कर टिकट वितरण का राज्य में काम पूरा कर लिया गया है। पार्टी ने जयपुर ग्रामीण से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं विजय कृष्णा पूनिया को टिकट दिया है। इसी सीट से भाजपा के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ फिर मैदान में है। ऐसे में कांग्रेस ने एक खिलाड़ी के सामने दूसरे खिलाड़ी को उतार कर मुकाबला रोचक बना दिया है। झालावाड़ 12 से सातर संघ के पूर्व अध्यक्ष और विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़ कांग्रेस में आए प्रमोद शर्मा को दुष्यंत सिंह के खिलाफ उतारा है। श्रीगंगानगर सुर्ख सीट से पूर्व सांसद भरतराम मेघवाल, अजमेर से रिजू झुंझुनूवाला, राजसमंद से देवकी नंदन गुर्जर, भीलवाड़ा से रामपाल शर्मा प्रत्याशी होंगे। गुर्जर को जन्मदिन पर मिला टिकट का तोहफा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवकीनंद गुर्जर को उनके जन्मदिन पर पार्टी ने खास तोहफा दिया है। लंबे इंतजार के बाद आखिर कांग्रेस ने चेहरा तैयार कर लिया है। गुर्जर लोकसभा चुनाव में राजसमंद सीट से कांग्रेस प्रत्याशी होंगे। गुर्जर की राजनीतिक पृष्ठभूमि देखें तो वो लंबे समय से कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। पार्टी ने उन्हें 2 पहले जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी। इससे पूर्व गुर्जर 2013 में नाथद्वारा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। उन्हें भाजपा के कल्याण सिंह चौहान ने हराया था। एक बार फिर वह चुनावी मैदान में उतरे हैं। भीलवाड़ा से रामपाल शर्मा होंगे कांग्रेस। भीलवाड़ा संसदीय सीट से कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। नगर विकास न्याय अध्यक्ष रहे रामपाल शर्मा का भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान सांसद सुभाष बहेड़िया से मुकाबला होगा। और बता दें कि जयपुर ग्रामीण से कृष्णा पूनिया को टिकट मिली है और राजसमंद से देवकीनंद गुर्जर को मिली है और भीलवाड़ा से रामपाल शर्मा को मिली है और अजमेर से रिजू झुंझुनूवाला को मिली है और श्रीगंगानगर से भरतराम मेघवाल से को मिली है और झालावाड़ 12 से प्रमोद शर्मा को मिली है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।